और अपडेटिंग पे ही अटक जाती होगी। तो चेक करते हैं यहाँ पे, वॉच हल्की सी पीछे से गर्म हो रही है, दैट्स इट। तो गाइज़ आपके लिए मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली वॉच ख़राब भी हो सकती है क्योंकि वह सलो की वॉच ख़राब हुई है, इसीलिए अपडेट हो रहा है और अपडेट यहाँ पे चल रहा है। तो गैस बीट एक्सपी की वॉच को कौन नहीं जानता, इवोक वॉच को खासकर, और इसका एक अपडेट आया हुआ है। ये साहब ने सुना, नया अपडेट आया इसका, तो वो अपडेट हम चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस मिले हैं देखने के लिए। क्या इसमें कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन है कि नहीं आया, वो मेरे को चेक करना है, क्योंकि कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन बहुत ज़्यादा मस्ट था। यहाँ पे देख सकते हो 50% चार्ज पे रखना है आपको, और न्यू वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन 0.06486, और इसमें देखते हैं कौन सा है। इसमें हम सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग में हमको सबसे लास्ट में जाना है, उससे पहले थोड़ा सा इन्फो पे जाना है। इन्फो कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो इन्फो में देख सकते हो V004872, यहाँ पे 6486 है। तो अपडेट कर लेते हैं इसको। आपको करना क्या है, बैटरी को 50% से ऊपर चार्ज रखना है। ध्यान रखना बीट एक्सपी की वॉचेस में इशू रहता है कि अपडेट अपडेट कर दोगे तो वॉच खराब सॉफ्टवेयर बग आने का इशू हो जाता है। बट हम इसको क्या करेंगे, 50% चार्ज करके जब भी इसको अपडेट करेंगे, जैसे मेरे 84% तक चार्ज है ये वॉच, तो हम चलिए इसको अपडेट करते हैं। अपडेट नाउ पे करेंगे और यहाँ पे अपडेट हो रही है। अपडेट वॉच इज अवेलेबल, अपडेट नाउ करते हैं, डाउनलोड हो रहा है स्टार्ट। डीएफयू मोड में जा रही है वॉच। तो गाइस आपके लिए मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली वॉच खराब भी हो सकती है क्योंकि वह सलो की वॉच खराब हुई है, इसीलिए अपडेट हो रहा है और अपग्रेड यहाँ पे चल रहा है। पता नहीं कितनी बार जैसे फ़ोन रिबूट वो होता है, बूट लोडर अनलॉक होता है, उस तरीके से ये हो रहा है ऐसा लग रहा है। मतलब स्मॉल स्मॉल पैकेट्स आपके अपडेट हो रहे हैं इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब छोटे छोटे पैकेट्स होंगे जो अपडेट्स के OTA के वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है मे बी। अपडेट हो चुकी है वॉच, अब टच नहीं करना है, ऑटोमेटिकली ये जो भी है वॉच ऑन हो जाएगी, हमको इसको टच नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते होंगे, अपडेटिंग आ रहा होता है तो उसको रिस्टार्ट कर देते हैं, मे बी हो सकता है उसके बाद ही वॉच ख़राब हो जाती होगी और अपडेटिंग पे ही अटक जाती होगी। तो चेक करते हैं यहाँ पे, वॉच हल्की सी पीछे से गर्म हो रही है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे 84% है और चार्ज है, ऑलरेडी कनेक्टेड है, अपडेट होते होते भी कनेक्टेड है ये वॉच। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे, क्या पता ये बग तो नहीं है कहीं, ये वॉच अटक गई हो, देखते हैं, चेक करते हैं। तो रिस्टार्ट हो चुकी है, देखो बहुत सारे लोग यही करते हैं कि मतलब उसको फोर्सफुली रिस्टार्ट करते हैं और बटन को प्रेस करके लगातार, तो मे बी हो सकता है वॉच ख़राब हो जाए। बट अभी हमने इसको टच नहीं किया है, खुद ही ये रिस्टार्ट होगी और खुद ही जो भी है करेगी। यहाँ पे 84% बैटरी दिखा रहा है और कनेक्टेड है यहाँ पे, देखो रिस्टार्ट हो चुकी है, और अपडेट होने के बाद ही ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे ये देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको अपडेट करनी है बीट एक्सपी की वॉच को। बीट एक्सपी की वॉच में इशू रहते हैं तो आपको इस तरीके से ही अपडेट करनी है वॉच को। देखते हैं यहाँ पे कुछ आया है, नया चीज़ आई है इसमें। यहाँ पे स्ट्रेस मूड गेम, गेम एक ही है बर्ड वाला ही, फंक्शन जाते हैं यहाँ पे वही है सेम, और स्मूथनेस भी वही है। कॉलिंग मिला के देखते हैं यहाँ पे कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन है कहीं, यहाँ पे ये रहा फ़ोन डायल करते हैं। नो गाइस कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं आया, ये तो वही है, एज सच कोई दिक्कत मतलब एज सच कोई नया इसमें फीचर ऐड नहीं हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे अपडेट हुई है कि नहीं वॉच, अपडेट तो हो जानी चाहिए वैसे। यहाँ पे हम इन्फो पे करते हैं, ये अपडेट हो चुकी है, देखते हो V00486 आ चुका है। बट यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस नहीं आए हैं कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ इसमें ऐड किया गया हो, तो यहाँ पे मेरे को कुछ चेंज नहीं लगा। मे बी अपडेट नेक्स्ट अपडेट में करे ऐड कंपनी। तो इस तरीके से आपको बीट एक्सपी की वॉच को अपडेट करना है, और ध्यान रखना गाइज टच नहीं करना अपडेट होते टाइम, वॉच खराब भी हो सकती है। बट फिलहाल यहाँ पे इस तरीके से मैंने सक्सेसफुली अपडेट कर लिया, तो इस तरीके से आप भी अपडेट कर सकते हो।